फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास फोर में मल्टीप्लिकेशन चैप्टर चल रहा है। इसमें प्रीवियस लेक्चर में मैं बताया था मल्टीप्लिकेशन एक्सपेंडेंट नोटेशन मेथड से आपको मल्टीप्लिकेशन करने को बताया गया था। एक्सरसाइज 5D है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसा आप 2 क्लास से मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं तो मैं 5D एक्सरसाइज छोड़ता हूं, आप इसको बनाइएगा। मैं एक्सरसाइज 5E पे आता हूं। एक्सरसाइज 5E में आपको 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट निकालना है। एक नंबर जो 0-0 वाला नंबर है और दूसरा नंबर ऐसा है। तो 0-0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना, जिस पर 0 वाले नंबर दी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 100, 200, 300 अप टू 900। किसी डिजिट पर 0 होते हैं तो उससे मल्टीप्लाई करना बेहद आसान हो जाता है। आप इस डिजिट से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए और जितना 0 है उसको राइट साइड में पुट कर दीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर है 178 मल्टीप्लाई 400। अब आपको इसको वर्टिकली लिखकर कॉलम में लिखकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें टाइम लगेगा। आपको इस डिजिट से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी यहाँ डिजिट हो, जिस भी डिजिट पर 0-0 उस डिजिट से इस नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए और जितना आता है उसके राइट साइड में जितना भी 0 यहाँ है उसको पुट कर दीजिए। चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। 4 8 जा 32 का 2 कैरी में होगा 3, 4 7 जा 28 और 3 31 का 1 कैरी में होगा 3, 4 1 जा 4 और 3 7, 712 आया और उस पर आप 2-0 पुट कर दीजिए, आपको प्रोडक्ट मिल गया। तो इस तरह से 0 वाले जो नंबर होते हैं, टेंस वाले या हंड्रेड्स वाले या थाउजेंड वाले, वो आसान होते हैं। आप इसी मेथड से उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सरसाइज 5B में सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, आपको मेथड मैंने बता दिया। आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कीजिए, कॉलम में लिखकर मल्टीप्लाई करने पर आपका टाइम ज्यादा लगेगा, गलती होने का चांसेस रहेगा। दिस मेथड इज वेरी नाइस, आप इसका यूज कीजिए। अब आइए दूसरे एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज 5F, एक्सरसाइज 5F में बिना 0 वाले, इसमें 0 नहीं है आपका और 3 डिजिट वाला भी नंबर है तो इसको मल्टीप्लाई करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ए है 76 मल्टीप्लाई 172। अब ये मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है तो आप कॉलम में लिखकर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे 172 और उसके नीचे 76 लिखकर, जैसा कि आप पहले से आपको 2 क्लास में 3 क्लास में सिखाया जा चुका है वैसे आप मल्टीप्लाई कीजिए। वैसे भी कर सकते हैं, 6 2 जा 12 का 2 कैरी में होगा 1, 6 7 जा 42 और 143 का 3 कैरी में होगा 4, 6 1 जा 6 और 4 10, 7 2 जा 14 का 4 कैरी में होगा 1, 7 7 जा 49 और 150 का 0 कैरी में होगा 5 और 7 और 5 12। ऐड कर दीजिए 27031, 13072। तो आप ऐसे भी मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपको जैसा अच्छा लगे। या आपको पीछे, अभी पीछे के चैप्टर में आपको एक्सपेंडेड नोटेशन से बताया गया है उसका भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी का। एक्सपेंडेड नोटेशन का अगर हम लोग यूज करेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे, 76 लिख दिया, 172 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 100 प्लस 70
प्लस टू, ये हुआ 172 का। कोई भी यहाँ पर नंबर रहे जो बड़ा वाला नंबर, उसको एक्सपेंडेड नोटेशन में लिख देंगे। एक्सपेंडेड नोटेशन में लिखने का मतलब है कि उसको जीरो वाले फॉर्म में हम ला रहे हैं, और जीरो वाले फॉर्म वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल इजी होता है। तो एक्सपेंडेड नोटेशन में लिखने का वही हम लोग का उद्देश्य है कि जीरो वाला फॉर्म आ जाएगा तो हमको आसान हो जाएगा मल्टीप्लाई करने में। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 76 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। आपको यहाँ सिखाया गया है कि इस डिजिट से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद राइट साइड में जीरो पुट कर दीजिए। तो 1 को 76 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 आएगा, और दो ठो जीरो पुट कर देंगे। प्लस 7 से 76 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर जीरो पुट कीजिए। 76 जा 42 का 2 कैरी में होगा 4, 77 जा 49 और 4 53, जीरो पुट कर दीजिए। प्लस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 26 जा 12 का 2 कैरी में होगा 1, 27 जा 14 और 115, ये आया। और सबको ऐड कर दीजिए, आप ऊपर नीचे लिख के ऐड कर सकते हैं, जो भी रफ करना हो रफ पोर्शन में कीजिए। किसी एग्जाम में भी या क्लास में भी आप दूसरे जगह रफ मत कीजिए, यहाँ रफ पोर्शन में रफ कीजिएगा। सामने क्वेश्चन के टीचर देखेंगे कि आपने मल्टीप्लाई किया है, आपने ऐड किया है, आपने सब्ट्रैक्ट किया है। मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूँ कि रफ बिल्कुल सामने करना है, कहीं भी दूसरे जगह नहीं करना है। मैं देखना चाहता हूं कि आपने क्वेश्चन खुद से बनाया है, रफ किया है। 2, 7, 6, 3, 9 और 110 का 0 कैरी में होगा 1, 7 और 1, 8, 13। तो दोनों का ऐसे भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका प्रोडक्ट आया इतना। अगर एक्सपेंडेड नोटेशन से भी आप मल्टीप्लाई किए तो उतना ही आया। तो दोनों में प्रोडक्ट आपको सेम आएगा। अब अगर एक्सपेंडेड नोटेशन से कहता है तब तो आपको एक्सपेंडेड नोटेशन से बनाना होगा, मस्ट है। लेकिन अगर आपको केवल फाइंड द प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई करने के लिए कहता है तो यू आर इंडिपेंडेंट कि आप अपना कौन सा चूज करते हैं जो आपको इजी लगे। 13,072, तो ये है आपका 5F। तो 5E5F हो गया। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में मल्टीप्लीकेशन का एक और मेथड आपको सिखाया जाएगा, जो मेथड आपने अभी तक नहीं जाना है, ये आपके लिए बिल्कुल न्यू होगा। तो इंतजार कीजिए। और ये 5E और 5F आप समझ गए, इसका क्वेश्चन बना लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स।